विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में पंजाब के एक श्रद्धालु द्वारा 13,55,000 का गुप्त दान किया गया। इसके साथ ही लंबे समय के बाद विश्व शांति कल्याण व कोरोना महामारी के नाश के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा 1,25,000 गायत्री जाप करवाया गया, जिसका विधिवत हवन यज्ञ से समापन किया गया। हवन यज्ञ में SDM धनवीर ठाकुर व मंदिर के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी भाग लिया। SDM धनवीर ठाकुर ने पूजा अर्चना की और विधिवत हवन यज्ञ के बाद पूर्ण आहुति भी डाली। इसके पश्चात कन्या पूजन कर माँ ज्वाला का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में गायत्री जाप 5 दिनों तक 7 ब्राह्मणों द्वारा 1,25,000 संख्या तक किया गया और सभी ने हवन यज्ञ में भी हिस्सा लिया। SDM धनवीर ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व शांति विश्व कल्याण व कोविड महामारी नाश के लिए गायत्री जाप का आयोजन किया गया, जो कि 5 दिन में 1,25,000 संख्या तक ब्राह्मणों द्वारा किया गया और 6ठे दिन हवन यज्ञ कर इसका समापन किया गया। जप हवन का उद्देश्य देश प्रदेश व विश्व में कल्याण व शांति हो और महामारी के नाश के लिए किया गया है। पंजाब के किसी श्रद्धालु ने मांग के दरबार में 13,55,000 रुपए का जो है वो गुप्त दान दिया है। मैं उनका आभार करता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। जैसा आपको विदित है कि 21 तारीख से हमने 1,25,000 गायत्री के जाप का जो था वो अनुष्ठान बैठाया था, जिसका आज समापन हो गया। उसमें मैं खुद मौजूद रहा और हमने हवन वगैरह किया और माँ से प्रार्थना की है कि माँ, ये जो महामारी कोरोना के रूप में पूरे देश प्रदेश में फैली है, इससे हमें निदान दिलाएं और हमारी रक्षा करें। ये सब हम लोगों ने माँ के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके प्रार्थना की है और हमें उम्मीद है कि माँ जो है इस महामारी से हमें उभरने का पूरा वो बल देगी और हम सब जो हैं वो सभी स्वास्थ्य रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं फिर भी ये कहता हूँ, सभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम भी सेफ रहें, आप भी सेफ।